ओके, सो लास्ट टाइम वी वर टॉकिंग अबाउट मोनोहाइब्रिड क्रॉस, फिर हमने टेस्ट क्रॉस की बात की कि अगर हमें किसी भी प्लांट के जीनोटाइप का आइडिया नहीं है कि वो होमोजाइगस है या हेटरोजाइगस है, देन वी आर गोइंग टू परफॉर्म टेस्ट क्रॉस। द लॉज मोनोहाइब्रिड के बेसिस पे मेंडल ने दो लॉ स्टेट किए थे, दैट वॉज लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड लॉ ऑफ सिग्रीगेशन। नाउ देर आर सम एक्सेप्शंस टू मेंडल्स क्रॉस, जिनकी हम स्टार्टिंग से बात कर रहे हैं कि बहुत सारी चीजें ऐसी थी जो मेंडल को देखने को नहीं मिली थी। एंड द फर्स्ट थिंग इज इनकम्प्लीट डोमिनेंस। मेंडल ने जितने भी हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट्स किए थे, ही वॉज नॉट एबल टू फाइंड आउट इनकम्प्लीट डोमिनेंस। एंड वी नो अगर उनको ऐसे कुछ फैक्टर्स मिले होते तो उनकी रेशियो बिल्कुल वैसी नहीं होती जैसी एक्चुअल में उनको रेशियो मिली थी। सो ही स्टेटेड द लॉ दैट वॉज लॉ ऑफ डोमिनेंस। और लॉ ऑफ डोमिनेंस में उन्होंने क्या बोला कि अगर एक डोमिनेंट अलील प्रेजेंट है, इवन इफ अ सिंगल डोमिनेंट अलील इज प्रेजेंट, से दिस इज अ हेटरोजाइगस सिचुएशन एंड इन विच वन डोमिनेंट अलील इज प्रेजेंट एंड अलोंग विद दैट अ रिसेसिव अलील इज प्रेजेंट। नाउ ही इज सेइंग दैट दिस सिंगल अलील इज हैविंग द कैपेबिलिटी टू गिव फुल एक्सप्रेशन। दैट इज वॉट लॉ ऑफ डोमिनेंस इज, कि एक भी अगर सिंगल अलील प्रेजेंट है तो फुल एक्सप्रेशन आएगा, बिकॉज दैट इज गोइंग टू बी फुली डोमिनेंट, ये कंप्लीटली डोमिनेंट है। लेकिन इनकम्प्लीट डोमिनेंस के जब हम एग्जाम्पल्स देखते हैं, देन दिस हेटरोजाइगस सिचुएशन इज नॉट गोइंग टू गिव अ फुल एक्सप्रेशन, बिकॉज यहाँ पर जो डोमिनेंट अलील प्रेजेंट है वो एक्चुअली में फुली डोमिनेंट नहीं है। वी विल सी कि हम फुल डोमिनेंट या हाफ डोमिनेंट से क्या समझते हैं, इनकम्प्लीट डोमिनेंट से क्या समझते हैं। जस्ट लेट्स कंसिडर अ एग्जाम्पल ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस एंड देन वी विल मूव ऑन टू द मॉलिक्यूलर लेवल। देर इज अ प्लांट दैट इज नोन एज स्नैप ड्रैगन, एंड इनकम्प्लीट डोमिनेंस इज क्लियरली विजिबल इन दिस स्नैप ड्रैगन। से द फ्लावर्स ऑफ दिस स्नैप ड्रैगन फ्लावर कलर showing two traits, the red one is dominant, that's why I'm using capital R for it, and the white is recessive, so we are using a small alphabet, that is small r. Hum snapdragon ke flower color ko consider karte hain, that is a character, and this character is having two traits, red flowers which are dominant over the white flowers. So agar hum mendel ki tarah exact same crosses are going to be there, we are considering two parents, both the parents are going to be the pure line plants, one is pure line for dominant character and second one is pure line for recessive character. That means this plant is going to have red flowers and it is a pure line dominant plant. हमने कल ये देखा था कि pure line dominant या pure line recessive plants बनाए कैसे जाते हैं. So these are the parent plants, this is parental generation. Now, these parents are responsible for the formation of gametes. यहां से जो gametes बनेंगे, obviously ये एक homozygous situation है. So all the gametes are going to carry capital R. सिर्फ एक ही allele possible है यहाँ पर, क्योंकि same alleles हैं. So capital R is going to be there. अगर हम second recessive situation देखते हैं, again this is going to be a homozygous situation. So only single type of gametes are possible, and these gametes are going to carry small R. So these are the possibilities of gametes from these homozygous parents. These gametes are going to fuse together and again we are going to result a heterozygous situation in F1 generation. ये जो generation है, this is the F1 generation. और just like हमारा जो Mendel का monohybrid cross था, this was the F1 generation of Mendel's monohybrid cross. एक heterozygous situation थी, यहाँ पर भी हमें same heterozygous situation मिली है अगर हम snapdragon के flowers को consider करते हैं. But here we were saying that this F1 generation is going to be having old tall plants. मेंडल का जो क्रॉस था उसमें जो F1 जेनरेशन थी, जो हेटरोजाइगस सिचुएशन थी, वहां पर जितने भी प्लांट्स बन रहे थे वो टॉल प्लांट्स बन रहे थे. अगर हम स्नैपड्रैगन के फ्लावर्स की बात करते हैं तो आइडियली मेंडल के लॉ ऑफ डोमिनेंस के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, यहाँ पर जितने भी फ्लावर्स बने हैं F1 जेनरेशन में, दोज फ्लावर्स आर गोइंग टू हैव रेड कलर.
तो अगर ये वाला जो अलील है ये कंप्लीट डोमिनेंस शो करता है तो ओनली सिंगल अलील इज इनफ टू गिव दिस रेड कलर. दिस इज सिंगल डोमिनेंट अलील दैट इज प्रेजेंट और यहां पर कलर कैसा होना चाहिए, रेड कलर होना चाहिए. बट what was the difference, यहां पर जितने भी plants available थे all those plants were having pink flower. Ideally it should be red flower if complete law of dominance was supported, but यहां पर red flowers नहीं थे, that was pink flowers जो heterozygous situation में present थे. We will come to this कि ऐसा क्यों था. अब next step was there was selfing between these plants. F1 generation के plants में हम selfing करवाते हैं, that is the second step. Again the gametes are going to be formed. अगर हम यहाँ से बात करते हैं, half 50% of the gametes are going to carry this capital R and 50% of the gametes are going to carry this small R. In this plant also same type of situation is going to be there. 50% of the gametes are having capital R and 50% of the gametes are having small R. So this is how four gametes are going to be formed. Say we are considering this parent as a male parent and this parent is considered as a female parent. Now if we see all the possible genotypes in F2 generation, agar main F2 generation mein sare possible genotypes dekhti hoon, then again I am going to draw a Punnett square. Fir se hum ek Punnett square draw karte hain. We are going to write down the male gametes over here and female gametes over here. Bar change ho sakti hai, it is not fixed ki male gametes hum isi bar mein likhenge ya female gametes. Say male gamete over here and female gamete on this side. So capital R and small R. Again a capital R and small R, kyunki dono parents ka genotype same hai, to dono parents se same type ke gametes banenge. Now we are combining them and we are writing down the possible, all the possible genotypes from these gametes. In gametes ke fusion se jitne bhi possible genotypes hain we have written. This is the possibility. What are their phenotypes? This plant is going to be red plant with red flowers. Plant with red flowers kyunki dono hi capital R present hai, dono hi alleles dominant form mein present hai. Iski bhi hame surety hai because ye hamare parental types hain. Parental mein homozygous dominant present tha. This is homozygous dominant and having red flowers. This is homozygous recessive parent se resemble kar raha hai and this one is going to have white flowers. डिफरेंस कहाँ आया है? डिफरेंस हेटेरोजाइगस सिचुएशन में आया है. इफ वी सी दिस हेटेरोजाइगस सिचुएशन, देन दिस हेटेरोजाइगस सिचुएशन इज नॉट गिविंग अ फीनोटाइप ऑफ दिस डोमिनेंट कैरेक्टर. ये हेटेरोजाइगस सिचुएशन यहाँ पर डोमिनेंट कैरेक्टर का फीनोटाइप एक्सप्रेस नहीं कर रही है. यहाँ पर एक टोटली डिफरेंट फीनोटाइप आ रहा है एंड दैट इज पिंक. This one, this heterozygous plant is also pink and the other heterozygous plant is also pink. So, agar hum is F2 generation ko dekhte hain, then we are going to write down its genotypic ratio. Again, we are having three type of genotypes. One is homozygous dominant, this one. This is a heterozygous plant. This is also a heterozygous and the last is also is a homozygous recessive. So it is 1:2:1. ये वही genotypic ratio है जो actual में हमारी किसकी genotypic ratio थी? Mendel के monohybrid cross की genotypic ratio थी. तो difference कहाँ आया? Difference is going to come in the phenotypic ratio. If I see the phenotypic ratio in Mendel's monohybrid cross, we were able to see two phenotypes. Mendel ke monohybrid cross mein do phenotypes the. Bolo beta. There is someone writing anything in the comment section, so ma'am, please block him. Who is there? Ami koi Guru Priyar Singh remove kar do maine se. Who is this? Okay, wait a minute. कोई पहचानता है? किसी दूसरी क्लास का बच्चा है? हाँ जी, मोस्टली बॉयज में ही होता है. कोई रिकॉग्नाइज करता है? नहीं, किसी और क्लास में देखा हो बेटा, फिजिक्स केमिस्ट्री इस आईडी से कभी कोई ऑनलाइन आया है?
नो चलो हम स्टार्ट करते हैं. फाइन, सो लेट्स स्टार्ट. हाँ, फिनोटिपिक रेशियो की बात कर रहे थे. अगर हम मेंडल की फिनोटिपिक रेशियो की बात करते हैं तो हमें दो ही फिनोटाइप्स मिलते हैं, आइदर द प्लांट इज टॉल और द प्लांट इज ड्वार्फ. यहां पर अगर हम फिनोटाइप देखें तो बेसिकली तीन फिनोटाइप्स हैं, रेड फ्लावर्स, पिंक फ्लावर्स एंड व्हाइट फ्लावर्स. दीज आर द थ्री फिनोटाइप्स दैट आर प्रेजेंट ओवर हेयर. और अगर इनकी रेशियो देखें देन हेयर द फिनोटिपिक रेशियो इज गोइंग टू बी इक्विवेलेंट टू द जीनोटिपिक रेशियो. ये रेशियो किसके इक्विवेलेंट है? क्या सीन है? What happened, ma'am? I'm seeing your chat. Why you were replying to him or her, na? Jo bhi tha. Wo to kaafi. Nobody was replying, ma'am. Kaafi time se. Likh raha hai. Tabhi bata dete mujhe initial mein. Chalo. So, यहां पर जो फिनोटिपिक रेशियो है वो बिल्कुल जीनोटिपिक रेशियो के इक्विवेलेंट आती है, लेकिन मोनोहाइब्रिड जो कंप्लीट लॉ ऑफ डोमिनेंस था वहां पर ऐसा नहीं था. द फिनोटिपिक रेशियो वाज 3:1. इंटरमीडिएट सिचुएशन हमें कहीं देखने को नहीं मिली थी. आइदर द प्लांट वाज टॉल और द प्लांट वाज ड्वार्फ. इंटरमीडिएट हाइट वाला प्लांट प्रेजेंट ही नहीं था. अगर हम यहां पर देखें तो देर इज अ डोमिनेंट एक्सप्रेशन, देर इज अ रिसेसिव एक्सप्रेशन और बीच में एक इंटरमीडिएट एक्सप्रेशन भी प्रेजेंट है. ठीक है, इसको हम मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के बेसिस पे एक्सप्लेन कर सकते हैं. मींस जब हम जेनेटिक लेवल पर बात करते हैं, जीन्स के लेवल पर बात करते हैं, देन वी कैन एक्सप्लेन दैट हाउ दिस इंटरमीडिएट कैरेक्टर इज कमिंग. ये इंटरमीडिएट कैरेक्टर बेसिकली आता कैसे है? सी, हम सिंपल सी बात करते हैं कि हमारे पास जो जीन्स हैं, दोज जीन्स आर कंट्रोलिंग अ कैरेक्टर. चलो मैं एक सिंगल कैरेक्टर की बात कर रही हूँ, हम सिंप्लीफाइड सिचुएशन में बात कर रहे हैं. दैट अ जीन इज कंट्रोलिंग अ कैरेक्टर एंड ईच जीन इज गोइंग टू हैव इन एन इंडिविजुअल, दैट जीन इज गोइंग टू हैव टू अलील्स. एक जीन है, उसके दो अलीलिक फॉर्म्स प्रेजेंट हैं और दोनों अलीलिक फॉर्म्स होमोलोगस क्रोमोसोम्स पर प्रेजेंट है. सो दिस इज अ पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स और इस पेयर के ऊपर यहाँ पर एक जीन प्रेजेंट है. अब पॉसिबिलिटीज क्या है? सेम जो हम कल बात कर रहे थे, पॉसिबिलिटीज ये हो सकती है कि यहाँ पर दोनों डोमिनेंट अलील्स प्रेजेंट है, या एक पॉसिबिलिटी है कि वन इज डोमिनेंट एंड वन इज रिसेसिव, या तीसरी पॉसिबिलिटी है कि दोनों ही रिसेसिव सिचुएशन में प्रेजेंट है. अब डोमिनेंट होने का मतलब क्या होता है? हम काफी टाइम से पूरे चैप्टर में स्टार्टिंग से बात करते हैं दैट दिस वन इज डोमिनेंट, इसका एक्सप्रेशन आएगा. दैट सिंपली मींस कि ये वाला जो जीन सेगमेंट है, ये जीन सेगमेंट क्या है? डीएनए सेगमेंट. ये अपना एमआरएनए बना रहा है एंड दिस एमआरएनए इज गोइंग टू बी ट्रांसलेटेड इनटू प्रोटीन्स एंड एक्चुअली दीज प्रोटीन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सप्रेशन. एक्सप्रेशन के लिए भी नॉर्मली से इसकी फंक्शनल यूनिट इज गोइंग टू बी प्रोटीन्स. तो फ्लावर का कलर आ रहा है या प्लांट की हाइट इंक्रीज हो रही है, ये सब किसकी वजह से हो रहा है? प्रोटीन्स की वजह से हो रहा है. जो भी एक्सप्रेशन आता है वो प्रोटीन्स की वजह से आता है. अब हमारे पास जो ये जीन प्रेजेंट है, अगर इसमें कैपिटल टी प्रेजेंट है, दिस इज द अलील दैट इज प्रेजेंट, ये डोमिनेंट फैक्टर प्रेजेंट है, दैट मींस दिस डोमिनेंट वन इज द नॉर्मल फैक्टर. हम इसको जनरली क्या कंसिडर करते हैं? ये नॉर्मल अलील है, नॉर्मल फैक्टर है. नॉर्मल अलील मींस अ नॉर्मल प्रोटीन इज गोइंग टू बी फॉर्म्ड. This protein is going to be a normal protein. और normal protein से कहने का मतलब क्या है? This is going to be a fully functional protein. And fully functional protein simply means full expression. This is the situation. ठीक है, तो dominant allele actual में एक normal allele है जो अपने आप को fully express करता है.
फुली एक्सप्रेस किस वजह से करेगा, क्योंकि वो जिस प्रोटीन को कोड करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो प्रोटीन नॉर्मल प्रोटीन है, अपने आप को कंप्लीटली एक्सप्रेस कर पा रहा है, इसलिए उसका रिजल्ट भी हमें क्लियर कट दिखाई देता है. दैट्स वाई वी आर सेइंग दिस नॉर्मल एलील इज गोइंग टू बी अ डोमिनेंट एलील. अगर हम एक रिसेसिव एलील की बात करते हैं, दैट सिंपली मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट अ एबनॉर्मल एलील. हम एक एबनॉर्मल अलील की बात कर रहे हैं. एबनॉर्मल अलील मीन्स हमारा जो अलील प्रेजेंट है यहाँ पर से दिस स्मॉल टी इज देयर दैट इज गोइंग टू फॉर्म एमआरएनए, वो प्रोटीन में कोड हो रहा है, तो डिफरेंट पॉसिबिलिटीज हैं कि या तो ये प्रोटीन बन रहा है लेकिन इस प्रोटीन में कुछ चेंजेस हैं जिसकी वजह से ये प्रोटीन फंक्शन नहीं कर पा रहा है, दिस इज गोइंग टू बी अ नॉन फंक्शनल प्रोटीन. वो एक नॉन फंक्शनल प्रोटीन है. या फिर क्या पॉसिबिलिटी है कि ये अलील में इतनी ज्यादा एबनॉर्मलिटी है कि ये किसी प्रोटीन के लिए कोड ही नहीं कर रहा है, इट इज नॉट कोडिंग फॉर एनी प्रोटीन. दोनों सिचुएशंस पॉसिबल हैं और दोनों ही सिचुएशंस में हमें क्या नहीं मिल रहा है, एक्सप्रेशन नहीं मिल रहा है, देयर इज नो एक्सप्रेशन. This is the situation, ठीक है. तो normal allele जब express कर रहा है तो full expression है, अगर abnormal allele present है तो abnormal allele के होने की वजह से expression नहीं आ रहा है, ये situation है. तो अगर हमारे पास homozygous dominant situation है, दो functional copies present हैं alleles की, ये भी एक functional है, ये भी functional है, expression के chances कैसे हैं, full expression के chances हैं, ठीक है. दूसरी सिचुएशन ये है, कैपिटल टी स्मॉल टी, एक तो फंक्शनल कॉपी प्रेजेंट है लेकिन दूसरी कॉपी कैसी प्रेजेंट है, नॉन फंक्शनल कॉपी प्रेजेंट है. मेनी ऑफ द टाइम जब हम लो ऑफ डोमिनेंस की बात कर रहे हैं, जैसे हम पाइसम सेटाइवम में करते हैं, कि ये काफी है कोई भी एक्सप्रेशन फुली प्रोड्यूस करने के लिए. से इसको अगर प्लांट की हाइट के लिए ये रिस्पॉन्सिबल है, तो हाइट के लिए जो प्रोटीन रिक्वायर्ड है, अगर सिंगल अलील भी डोमिनेंट है तो ये 100% फुली फंक्शनल प्रोटीन बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जिसलिए प्लांट की हाइट नॉर्मल होगी. हम अभी क्या कंसिडर कर रहे हैं, हम स्नैपड्रैगन में फ्लावर के कलर को कंसिडर कर रहे हैं, और हम क्या बोल रहे हैं बेसिकली कि इस हेटरोजाइगस सिचुएशन में जब एक डोमिनेंट और एक रिसेसिव अलील प्रेजेंट है, जहां पर रेड कलर आना चाहिए था वहां पर पिंक कलर अवेलेबल है, दैट मीन्स जो डोमिनेंट वाला है वो इंडिविजुअल है, सिंगल है, उसको फुल एक्सप्रेशन के लिए क्या चाहिए था, बेसिकली दो कॉपीज चाहिए थे. मीन्स रेड कलर तब प्रोड्यूस हो रहा था तब दोनों अलील्स फुली फंक्शनल फॉर्म में प्रेजेंट थी. अब जब एक अलील फंक्शनल फॉर्म में प्रेजेंट है, दूसरा नहीं है, क्योंकि वो या तो नॉन फंक्शनल प्रोटीन बना रहा है या किसी प्रोटीन के लिए कोड नहीं कर रहा है, तो एक्सप्रेशन तो हुआ है, बिकॉज एक तो डोमिनेंट है लेकिन वो फुल एक्सप्रेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, उसने सिर्फ अपने आप को एक्सप्रेस किया है, इसलिए कलर तो आया लेकिन फुली रेड कलर विजिबल नहीं हुआ, क्योंकि वो तभी पॉसिबल होता जब उसका दूसरा अलील भी डोमिनेंट होता. तो यहाँ हमें ऑलमोस्ट कैसा एक्सप्रेशन मिला है, हमें हाफ एक्सप्रेशन मिला है. और अगर हम तीसरी सिचुएशन कंसिडर करें, तो कोई प्रोटीन बन ही नहीं रहा है या नॉन फंक्शनल प्रोटीन बन रहा है जिसकी वजह से कोई कलर आया ही नहीं, तो कलर कैसा हो गया, वाइट हो गया, तो हेयर नो एक्सप्रेशन इज देयर. तो ऐसा नहीं है कि सभी अलील सभी ऑर्गेनिजम्स में एक जैसा बिहेव करते हैं. आई कैन से कि सारे ही अलील्स डोमिनेंट अलील्स होते हैं और हमेशा एक्सप्रेशन एक सिंगल अलील के लिए पॉसिबल है एक्सप्रेशन देना. नो, जब हम स्टार्टिंग से जीन्स को स्टडी करने लगे तो थिंग्स हमें थोड़ी इजी लगती थी कि एक जीन एक कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहा है, लेकिन जैसे जैसे हम जीन्स के बारे में ज्यादा जानने लगे तो आज के दिन हम समझते हैं कि कॉम्प्लेक्सिटी कितनी ज्यादा है. ऐसा नहीं है कि एक जीन एक कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहा है, बहुत सारे जीन कैरेक्टर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकता है. ऐसा भी नहीं है कि एक जीन की दो ही अलीलिक फॉर्म है, पॉपुलेशन में हमें मल्टीपल अलीलिक फॉर्म्स मिलती हैं, उनमें से कोई दो कॉम्बिनेशन एक इंडिविजुअल में प्रेजेंट होंगे, या बहुत सारे जीन्स एक पर्टिकुलर कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहे हैं. सो मेंडल ने जब काम किया तो इतनी सारी चीजें उनको पता नहीं थी, पहली चीज. दूसरी चीज, ये चीजें लकीली उनके एक्सपेरिमेंट्स के बीच में भी नहीं आई, इसलिए उन्होंने लॉ ऑफ डोमिनेंस स्टेट कर दिया. लेकिन जब ये चीज हमने समझी इनकम्प्लीट डोमिनेंस वाली,
कि जरूरी नहीं है कि एक ही अलील फुल एक्सप्रेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल हो, तब लॉ ऑफ डोमिनेंस को यूनिवर्सली एक्सेप्ट नहीं किया गया। और इसलिए जब आप हायर स्टडीज में जाओगे तो आप ये देखोगे कि हम लॉ ऑफ डोमिनेंस को एक यूनिवर्सल लॉ नहीं मानते हैं, दैट मीन्स फर्स्ट लॉ नहीं मानते हैं। बट क्योंकि हमारी एनसीईआरटी में लिखा है दैट इज द फर्स्ट लॉ, क्योंकि वो उन्होंने सबसे पहले फ्रेम किया था, दैट्स व्हाई वी कंसिडर दिस एज फर्स्ट लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। बट इनकम्प्लीट डोमिनेंस के केस में ये फर्स्ट लॉ लागू नहीं होता है, ठीक है। रीजन की एक्सप्रेशन डिफरेंट होगा। तो यहाँ पर ये जो एबनॉर्मल अलील है, ये कौन सा अलील है? ये रिसेसिव अलील है, जिसका एक्सप्रेशन हमें दिखाई नहीं देता, और इसके एक्सप्रेशन ना होने की वजह से जो भी कंडीशन आएगी वो हमारी रिसेसिव सिचुएशन होगी। दिस इज वन एक्सेप्शन टू लॉ ऑफ डोमिनेंस। और सेकेंड एक्सेप्शन है लॉ ऑफ डोमिनेंस के लिए कोडोमिनेंस। को मीन्स बोथ, हम अलील्स की बात कर रहे हैं। अगर मैं दो अलील्स को एक साथ रख दूं तो आई एम सेइंग कि बोथ द अलील्स आर इक्वली डोमिनेंट। तो यहां पर हम टू अलील्स की बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट स्पेसिफिकली टू अलील्स, एंड दीज टू आर इक्वली डोमिनेंट। तो एक्सप्रेशन दोनों का आ रहा है। तो अगर दो इक्वली डोमिनेंट अलील्स एक साथ प्रेजेंट हैं तो उस इंडिविजुअल का फिनोटाइप बिल्कुल ही चेंज हो जाएगा। तो दो इक्विवेलेंट अलील्स एक साथ पॉसिबल होने की वजह से हमें एक कंप्लीटली डिफरेंट फिनोटाइप मिलता है, दैट इज कोडोमिनेंस। और कोडोमिनेंस का हमारा सिंपल सा एग्जाम्पल है आर ए बी ओ ब्लड ग्रुप सिस्टम। Almost 80% population is having this ABO blood group system. और इस ABO blood group system के लिए जो gene responsible होता है that is I gene. So there is one single gene that is controlling this ABO blood group system. और ये gene किस चीज के लिए responsible है? Basically जो हमारी RBCs हैं, this is our RBCs. उन RBCs के ऊपर कुछ sugars, specific sugars present होती हैं, and these specific sugars are synthesized by this gene I. ये gene I responsible होता है इन specific sugars के synthesis के लिए। और हम layman language में इनको क्या बोलते थे हैं, that these are the antigen that are present on RBCs. But actual में क्या है, ये sugar molecules हैं जो ये gene I synthesize करता है। अब इस जीन आई की तीन अलीलिक फॉर्म्स हैं, देर आर थ्री डिफरेंट अलील्स ऑफ दिस जीन आई। आई ए दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अ डिफरेंट शुगर, अलील आई बी जो एक अलग शुगर के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, एंड थर्ड वन इज, नाउ हु इज दिस सुजाता धनखड़, कोई जानता है इस आईडी को? यस मैम, कौन है ये बच्चे, कहाँ से आते हैं? मैंने तो भाई डिनाई कर दिया है, अब मुझे नहीं पता वो कौन थी, ठीक है। आओ तो अपनी नाम से आओ, अदरवाइज मत आओ डिस्टर्बेंस के लिए, फालतू किसी की बकवास सुनने के लिए भाई किसी के पास टाइम नहीं है, ठीक है, कोई इंटरेस्टेड नहीं है। So, यहां पर तीन अलील्स पॉसिबल हैं। अगर आई ए प्रेजेंट है तो वी कंसिडर कि यहाँ पर एक टोटली डिफरेंट शुगर प्रेजेंट होगी, चलो हम उसको ए मान लेते हैं। अगर आई बी अलील है तो यहाँ पर एक अलग शुगर होगी, और अगर आई है मींस सेम एबनॉर्मल और रिसेसिव अलील, तो कोई भी शुगर मॉलिक्यूल प्रेजेंट नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये वही एबनॉर्मल अलील है जो बेसिकली कोई काम नहीं कर रहा है। अब तक हम यही बात कर रहे थे, आई ए और आई बी को हम डोमिनेंट कंसिडर करते हैं। डोमिनेंट हम इसलिए कंसिडर कर रहे हैं क्योंकि ये नॉर्मल है, नॉर्मल हम इसलिए कंसिडर कर रहे हैं क्योंकि हमें इनका एक्सप्रेशन दिखाई देता है, मतलब जब भी ये प्रेजेंट होंगे तो आरबीसीज के ऊपर शुगर मॉलिक्यूल सिंथेसाइज होंगे, दैट मीन्स वो नॉर्मली काम कर रहे हैं, दैट्स वाई नॉर्मल और डोमिनेंट। आई स्मॉल आई इसको हम रिसेसिव इसलिए कंसिडर कर रहे हैं क्योंकि जब ये प्रेजेंट होगा तो कोई भी शुगर मॉलिक्यूल ऊपर सिंथेसाइज नहीं हो रहा है, मतलब ये एबनॉर्मल है, ये शुगर्स के लिए कोड नहीं कर पा रहा है, दैट्स वाई। नाउ ये थ्री अलील्स, दीज आर थ्री अलील्स दैट आर प्रेजेंट।
अब द थिंग इज कि एक इंडिविजुअल की हम बात करते हैं तो एक इंडिविजुअल के पास दो ही होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं, ये एक पेयर है, तो सिर्फ दो ही पॉसिबिलिटीज हैं अलील्स के होने की। तो जो तीन अलील्स हैं वो बेसिकली कहाँ पर प्रेजेंट है, वो पॉपुलेशन में प्रेजेंट है। और अगर हम एक इंडिविजुअल की बात करते हैं तो एक इंडिविजुअल में इन तीनों में से कोई भी दो पॉसिबल, दो आने की पॉसिबिलिटी है। और वो कैसे हो सकते हैं, अगेन वो सेम सिचुएशन में हो सकते हैं, वो होमोजाइगस हो सकते हैं या वो हेटरोजाइगस हो सकते हैं। तो अगर इन तीन अलील से हम पॉसिबल जीनोटाइप्स लिखते हैं तो वी आर गोइंग टू गेट 6 पॉसिबल जीनोटाइप्स फ्रॉम दीज 3 अलील्स। पहला जो पॉसिबल जीनोटाइप है, हम सबसे पहले आई ए को कंसिडर कर लेते हैं। आई ए दो तरीके से प्रेजेंट हो सकता है, या तो ये होमोजाइगस सिचुएशन में प्रेजेंट है या ये हेटरोजाइगस सिचुएशन में प्रेजेंट है। किसके साथ? आई के साथ, स्मॉल आई के साथ। दोनों का फिनोटाइप एक ही होगा क्योंकि ये कोई काम नहीं कर रहा है और आई ए डोमिनेंट है, इसलिए एक्सप्रेशन एक आ रहा है। ये वाला इंडिविजुअल भी ब्लड ग्रुप ए कैरी कर रहा है और ये सेकेंड वाला जो इंडिविजुअल होगा इसका भी ब्लड ग्रुप क्या होगा? कैपिटल ए होगा। दूसरी पॉसिबिलिटी है आई बी के लिए। आई बी भी या तो होमोजाइगस सिचुएशन में प्रेजेंट है या हेटेरोजाइगस सिचुएशन में प्रेजेंट है, लाइक दिस वे। और यहाँ पर एक्सप्रेशन, सॉरी दिस इज द बी वन, यहाँ पर एक्सप्रेशन किसका आएगा? आई बी का ही आएगा, क्योंकि ये वाला आई किसी भी शुगर के लिए कोड नहीं कर रहा है, शुगर सिंथेसिस में इन्वॉल्व नहीं है। तीसरी जो पॉसिबिलिटी है दैट इज दिस ए इज कमिंग अलोंग दिस बी, मतलब एक क्रोमोसोम के ऊपर आई ए प्रेजेंट है और दूसरे इसके होमोलोगस पेयर के ऊपर आई बी प्रेजेंट है, तो ये भी हेटरोजाइगस सिचुएशन, दिस इज ऑल्सो अ हेटरोजाइगस सिचुएशन। और इस हेटरोजाइगस सिचुएशन में अगर ए तो अपना एक्सप्रेशन दे रहा होता तो ब्लड ग्रुप ए हो जाता, अगर ए एक्सप्रेस नहीं कर रहा होता, बी एक्सप्रेस कर रहा होता तो ब्लड ग्रुप बी हो जाता, लेकिन दोनों इक्वली डोमिनेंट है, मींस ये भी अपनी शुगर को सिंथेसाइज कर रहा है और ये भी अपनी शुगर को सिंथेसाइज कर रहा है। हमें आरबीसी के ऊपर दोनों की ही शुगर विजिबल है, दैट मीन्स दोनों अपने आप को इक्वली एक्सप्रेस कर रही है, इसलिए हमें एक टोटली डिफरेंट ब्लड ग्रुप मिलता है, दैट इज ए बी। And this is going to be example of co-dominance, क्योंकि यहाँ पर दो dominant alleles एक साथ present हैं और इन dominance के होने की वजह से हमें blood group का एक completely different phenotype मिल रहा है जो A और B से differ कर रहा है। जब हम last situation की बात करते हैं, हमारा I किसी भी शुगर के लिए कोड नहीं कर रहा है, इसलिए हम उसको ओ से रिप्रेजेंट करते हैं कि आरबीसी का सरफेस बिल्कुल खाली है, वहां पर कोई भी शुगर प्रेजेंट नहीं है। सो दीज आर आर 1, 2, 3, 4, 5 and 6 पॉसिबल जीनोटाइप्स हैं जो इन थ्री अलील्स के कॉम्बिनेशन की वजह से पॉसिबल हैं। तो अगर हम उस 80% पॉपुलेशन को देखते हैं जो एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम कैरी कर रहा है, उनमें से इनमें से कोई भी जीनोटाइप पॉसिबल है, लेकिन तीन अलील्स नहीं होंगे क्योंकि हम डिप्लॉयड ऑर्गेनिजम्स हैं, हमारे पास एक क्रोमोसोम की सिर्फ दो ही कॉपीज पॉसिबल है। अनदर इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट दिस ब्लड ग्रुप सिस्टम इज कि ये ब्लड ग्रुप सिस्टम तीन अलील्स होने की वजह से किसका एग्जाम्पल भी है, इट इज एग्जाम्पल ऑफ मल्टीपल अलीलिज्म। ये मल्टीपल अलीलिज्म का एग्जाम्पल है। मल्टीपल अलीलिज्म हम कब बोलते हैं, मींस मल्टीपल अलील्स, मेनी अलील्स, जब दो से ज्यादा अलील्स पॉसिबल हो किसी पर्टिकुलर कैरेक्टर के लिए, देन वी आर सेइंग दैट दैट पर्टिकुलर सिचुएशन इज एन एग्जाम्पल ऑफ मल्टीपल अलीलिज्म। सो ब्लड ग्रुप सिस्टम, that is an example of codominance, and along with this codominance that is a example of multiple allelism also. वो multiple allelism का भी example है क्योंकि उसके तीन alleles हैं। तो question किसी भी regarding पूछा जा सकता है, codominance की form में भी पूछा जा सकता है, situation एक ही रहेगी ABO blood group system, but question can be asked
फॉर कोडोमिनेंस या फिर मल्टीपल अलीलिज्म के लिए भी पूछा जा सकता है दैट व्हाई वी आर कंसिडरिंग दिस एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम एज एन एग्जाम्पल ऑफ मल्टीपल अलीलिज्म बिकॉज इन पॉपुलेशन देर आर मोर देन टू अलील्स फॉर द ब्लड ग्रुप सिस्टम दैट आर पॉसिबल बट इन एन इंडिविजुअल वी आर गोइंग टू हैव ओनली टू अलील्स रीजन इज बिकॉज वी आर डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म तो हमारे पास हर एक क्रोमोजोम की दो ही कॉपीज प्रेजेंट हैं किस सिचुएशन में तीन क्रोमोसोम्स हो सकते हैं सॉरी तीन अलील्स पॉसिबल हो सकते हैं अगर आपसे ये पूछा जाए तो सिंपल सी बात अगर हम ट्रिप्लोइड होते हमारे पास एक और एक्स्ट्रा क्रोमोसोम यहां पर प्रेजेंट होता एक क्रोमोसोम की तीन कॉपी होती तो वी कैन अकोमोडेट थ्री अलील्स तो हम तीनों अलील्स को कैरी कर सकते थे तो कॉम्बिनेशन और भी ज्यादा बढ़ जाते सो दिस इज पॉसिबल फॉर इट ये मल्टीपल अलीलिज्म है एक और एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं दैट थिंग इज कि एक सिंगल जो जीन है वो एक से ज्यादा इफेक्ट प्रोड्यूस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है दैट इज अ टोटली डिफरेंट सिचुएशन बट क्योंकि हमारी एनसीईआरटी में गिवन है सो वी नीड टू कंसिडर दिस सिचुएशन दैट इज वन सिंगल जीन इज गोइंग टू प्रोड्यूस मोर देन वन इफेक्ट मीनिंग क्या है हम यहाँ पर बात कर रहे हैं हम एक ही जीन की बात कर रहे हैं उससे एक ही तो इफेक्ट हो रहा है सिर्फ ब्लड ग्रुप इफेक्ट कर रहा है ठीक है जैसे ही उसके अलील्स चेंज होंगे तो क्या चेंज हो जाएगा ब्लड ग्रुप चेंज हो जाएगा सो ओनली वन सिंगल इफेक्ट इज देयर बट बहुत सारी बार ऐसी सिचुएशन होती है तो कि एक फंक्शन की वजह से एक दूसरा फंक्शन अपने आप से इफेक्ट हो जाता है ऑल्टर हो जाता है एग्जाम्पल क्या है कि जो पी प्लांट्स हैं पी सीड्स हैं उनमें स्टार्च की सिंथेसिस कौन कंट्रोल करता है वन सिंगल जीन इज कंट्रोलिंग स्टार्च सिंथेसिस इन पी सीड्स एक ही जीन कंट्रोल कर रहा है पी सीड्स में स्टार्च की सिंथेसिस को अब एक जीन की ऑब्वियसली दो फॉर्म्स हैं ठीक है दैट इज गोइंग टू बी अ डोमिनेंट वन एंड अनदर इज गोइंग टू बी अ रिसेसिव सिचुएशन एक डोमिनेंट अलील प्रेजेंट है और एक रिसेसिव अलील प्रेजेंट है ये दोनों अलील्स पॉसिबल हैं अब दोनों अलील्स के लिए तीन पॉसिबिलिटी हैं या तो दोनों अलील्स डोमिनेंट प्रेजेंट है या एक डोमिनेंट एक रिसेसिव या दोनों रिसेसिव कोई नई बात नहीं है हम हर बार इन्हीं को कंसिडर कर रहे हैं तो जब दोनों डोमिनेंट प्रेजेंट होते हैं तो दोनों डोमिनेंट होने का इफेक्ट क्या होता है दैट इज कि स्टार्च सिंथेसिस ज्यादा है देर इज प्रॉपर स्टार्च सिंथेसिस और ज्यादा स्टार्च सिंथेसाइज होने के लिए जो पी सीड्स हैं वो कैसे हैं वो राउंड शेप के हैं सो स्टार्च सिंथेसिस इज गोइंग टू बी हाय क्योंकि दोनों डोमिनेंट फॉर्म्स प्रेजेंट हैं और दूसरी चीज क्या है कि इन स्टार्च के सिंथेसाइज होने की वजह से जो ऑलमोस्ट जो शेप आती है हमारी पी सीड्स की दैट इज गोइंग टू बी राउंड एंड बिग इन साइज साइज में थोड़े बड़े हो जाते हैं क्योंकि जितना ज्यादा स्टार्च सिंथेसिस होगा साइज उतना ही ज्यादा बड़ा होगा दूसरी सिचुएशन कंसिडर कर लेते हैं रिसेसिव वाली बीच वाली सिचुएशन पर बाद में आते हैं हेटरोजाइगस सिचुएशन पे जब हम रिसेसिव सिचुएशन को कंसीडर करते हैं देन वी आर एबल टू सी कि जो रिसेसिव सिचुएशन है उसमें क्या होगा स्टार्च सिंथेसिस इज गोइंग टू बी लेस स्टार्च सिंथेसिस कम होगा सो देयर विल बी लेस स्टार्च सिंथेसिस ये ऑलमोस्ट रिंकल्ड फॉर्म में आ जाएगा या यू कैन से स्मॉल इन साइज साइज में कैसा होगा छोटा होगा जितना कम स्टार्च साइज उतना ही ज्यादा छोटा ये दोनों सिचुएशंस हैं हमारी होमोजाइगस डोमिनेंट और होमोजाइगस रिसेसिव सिचुएशन तो स्टार्च सिंथेसिस होने की वजह से किसके साइज पर इफेक्ट पड़ रहा है पी के सीड साइज पर इफेक्ट पड़ रहा है अगर हम बीच की हेटरोजाइगस सिचुएशन देखते हैं तो वी विल सी कि हेटरोजाइगस सिचुएशन में जो स्टार्च प्रोड्यूस हो रहा है वो बेसिकली उतना नहीं है जितना होमोजाइगस सिचुएशन में प्रोड्यूस हुआ था स्टार्च सिक्रीट तो हो रहा है बट कम बन रहा है इसके कंपैरेटिवली इसलिए इंटरमीडिएट स्टार्च सिंथेसिस है तो साइज भी कैसा हो रहा है इसके और इसके बीच में लाई कर रहा है दैट मीन्स दिस सीड इज गोइंग टू हैव अ इंटरमीडिएट साइज तो एक काम हो रहा है फंक्शन एक है स्टार्च सिंथेसिस का
Why we are saying more than if one effect? क्योंकि star synthesis की वजह से actual में किसके उस पर size पर effect पड़ रहा है, seeds के size पर effect पड़ रहा है. जितना ज्यादा स्टार सिंथेसिस साइज उतना ही बड़ा, स्टार्स कम सिंथेसाइज हो रहा है एक्सट्रीमली कम. अगर इंटरमीडिएटली सिंथेसाइज हो रहा है तो साइज इज गोइंग टू बी इंटरमीडिएट. तो वन जीन इज कंट्रोलिंग वन फंक्शन बट दैट इज अफेक्टिंग द अदर वन ऑल्सो. उसके इफेक्ट ज्यादा फैक्टर्स पर दिखाई दे रहे हैं एंड दैट इज अ एग्जाम्पल ऑफ इट. और ये एक क्लियर कट डिफरेंट एग्जाम्पल है, इसलिए हमें इसको याद करके रखना है कि अगर आपसे क्वेश्चन में स्टेटमेंट दी जाती है दैट इलस्ट्रेट विद एन एग्जाम्पल, आपको ब्रैकेट्स में एक स्टेटमेंट दी जाती है दैट वन सिंगल जीन इज गिविंग गोइंग टू हैव मोर देन वन इफेक्ट, देन यू आर गोइंग टू डिस्क्राइब दैट इन पी प्लांट्स द सीड इज गोइंग टू बी द साइज ऑफ द सीड इज गोइंग टू बी डिपेंडेंट अपॉन द अमाउंट ऑफ स्टार्च सिंथेसिस इनसाइड इट. कोई भी एक फैक्टर कंसिडर, एक अल्फाबेट कंसिडर कर लो दैट दिस पर्टिकुलर इज गोइंग टू बी द डोमिनेंट वन. जितने दोनों डोमिनेंट अलील है मैक्सिमम स्टार सिंथेसिस, साइज इज गोइंग टू बी मैक्सिमली लार्ज. अगर एक डोमिनेंट है इंटरमीडिएट साइज, और अगर दोनों ही रिसेसिव हैं तो ऑब्वियसली साइज सबसे छोटा होगा. सो दिस इज वन सिचुएशन दैट इज गिविंग यू, दो अलग अलग फैक्टर्स पे इफेक्ट पड़ रहा है स्टार्च के सिंथेसिस पर भी, और उसकी वजह से किसके साइज पर, सीड के साइज पर इफेक्ट है. नेक्स्ट वन इज मेंडल ने स्टडी किया दो जीन्स का इनहेरिटेंस एंड दैट इज नोन एज अ डाईहाइब्रिड क्रॉस. इनहेरिटेंस ऑफ पैटर्न ऑफ टू जीन्स. तो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है दैट इज मेंडल्स डाईहाइब्रिड क्रॉस. और मेंडल के डाई हाइब्रिड क्रॉस की भी टेक्निक्स एग्जैक्टली सेम थी, बट डिफरेंस वॉज यहाँ पर उन्होंने दो अलग अलग कैरेक्टर्स को डिस्कस किया था. टू कैरेक्टर्स वर कंसिडर्ड इन हिज एक्सपेरिमेंट्स. दीज टू कैरेक्टर्स वर, दो कैरेक्टर्स कौन कौन से थे? सीड का कलर और मैम उसका साइज शेप. ये दो कैरेक्टर्स थे, इनके पॉसिबल ट्रेट्स क्या थे? शेप ऑफ द सीड वॉज आइदर राउंड और रिंकल्ड. कलर वॉज येलो एंड ग्रीन. ये पॉसिबल ट्रेट्स थे जिसमें से राउंड एंड येलो वर द डोमिनेंट ट्रेट्स एंड रिंकल एंड ग्रीन वर द रिसेसिव ट्रेट्स. इसलिए हम हमारी डोमिनेंट ट्रेट्स को कैपिटल अल्फाबेट से रिप्रेजेंट करते हैं और रिसेसिव ट्रेट्स को हम इनके स्मॉल अल्फाबेट से रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है, दिस इज हाउ दे कंसिडर्ड. उन्होंने एक प्लांट के दो कैरेक्टर्स को कंसिडर किया. अपना एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करने के लिए अगेन ही यूज्ड टू प्योर लाइन पेरेंट प्लांट्स. तो एक प्लांट राउंड के लिए प्योर लाइन था, वो येलो के लिए भी प्योर लाइन था, क्योंकि एक साथ वो दो कैरेक्टर्स को कंसिडर कर रहे थे. सो दिस से दिस इज अ मेल पेरेंट एंड दिस इज अ फीमेल पेरेंट. उन्होंने एक प्योर लाइन डोमिनेंट प्लांट कंसिडर किया और एक प्योर लाइन रिसेसिव प्लांट कंसिडर किया. बट ऑलवेज कीप इन माइंड जो प्योर लाइन्स थे वो बेसिकली दोनों कैरेक्टर्स के लिए प्योर लाइन थे. दैट मीन्स अगर मैं एक प्योर लाइन डोमिनेंट प्लांट को कंसिडर करती हूँ दैट इज गोइंग टू बी डोमिनेंट फॉर, और यू कैन से प्योर लाइन फॉर अ डोमिनेंट कैरेक्टर. ये डोमिनेंट कैरेक्टर के लिए प्योर लाइन है दैट इज राउंड शेप एंड प्योर लाइन फॉर द अदर डोमिनेंट कैरेक्टर दैट इज येलो कलर ऑफ द सीड. एग्जैक्टली सेम वे जो दूसरा प्लांट था, जो दूसरा पेरेंट था, वो भी प्योर लाइन था रिसेसिव कैरेक्टर रिंकल्ड शेप के लिए और ग्रीन कलर के लिए, दोनों प्योर लाइन है. अगर मैं सपोज ये लिख दूं कैपिटल आर स्मॉल वाई, सॉरी इट इज ऑल्सो कैपिटल वाई, ये भी कैपिटल वाई है. ठीक है, ये प्योर लाइन प्लांट नहीं है. ये वाई के लिए तो प्योर लाइन होगा लेकिन ये राउंड के लिए प्योर लाइन नहीं होगा. इसको हम यहाँ पर कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि इस प्लांट के पास मिक्सचर ऑफ अलील्स प्रेजेंट है. इसके पास हमेशा पॉसिबिलिटी रहेगी किसकी, रिंकल्ड प्लांट देने की. तो ये प्योर लाइन नहीं है.
या आपको ये वाली सिचुएशन, ये तो किसी कंडीशन में प्योर लाइन नहीं है, या ये वाली सिचुएशन दे दी जाए तो इसको भी हम प्योर लाइन कंसिडर नहीं करते हैं। प्योर लाइन वही होगा जो दोनों कैरेक्टर्स के लिए प्योर लाइन होगा। सो दीज आर गोइंग टू बी द पेरेंट्स बिकॉज दीज आर डोमिनेंट और यू कैन से प्योर लाइन फॉर बोथ द कैरेक्टर्स। ये हमारे पास एक प्योर लाइन होमोजाइगस डोमिनेंट पेरेंट है एंड दिस इज गोइंग टू बी द प्योर लाइन होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट। अब सी डिफरेंस क्या है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस में हम एक जीन की बात कर रहे थे, अब हम दो जीन्स की बात कर रहे हैं। वन जीन इज कोडिंग फॉर शेप ऑफ द सीड एंड द सेकेंड जीन इज कोडिंग फॉर कलर ऑफ द सीड। सेकेंड जीन किसके लिए कोड कर रहा है, सीड के कलर के लिए कोड कर रहा है। तो एक्चुअल में जब गैमेट फॉर्मेशन होता है देन व्हाट हैपेंस ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन, ये एक होमोलोगस पेयर है। तो हम क्या बोलते हैं, गैमेट फॉर्मेशन के टाइम पे होमोलोगस पेयर में से क्रोमोसोम्स एक दूसरे से सेपरेट आउट हो जाते हैं। दैट मींस इस पेयर में से सिर्फ एक ही आने वाला है क्रोमोसोम यहाँ पर, या इस अलीलिक पेयर में से सिर्फ एक ही अलील इनहेरिट होगा एंड दिस इज अनदर जीन अनदर पेयर ऑफ अलील्स और इस पेयर में से एक आने की पॉसिबिलिटी है। दिस इज वन गेमेट, अगर मैं दूसरा गेमेट बनाती हूँ तो दूसरा गेमेट भी बिल्कुल ऐसे ही अलील्स को कैरी करेगा। तो हम अकेला आरआर नहीं लिखते हैं बिकॉज दिस इज द सिचुएशन, से दिस इज वन होमोलोगस पेयर आर आर ड्यूरिंग गेमेट फॉर्मेशन दे आर सेपरेटेड। सो वन अलील इज गोइंग टू हैव आर, द सेकेंड अलील इज ऑल्सो गोइंग टू हैव आर। अब द सेकेंड सिचुएशन क्या है, से इसी क्रोमोसोम पर प्रेजेंट है वाई वाई, सो अगेन वन इज गोइंग टू गेट वन वाई ओनली एंड सेकेंड वन इज गोइंग टू गेट सेकेंड वाई ओनली, क्योंकि ये होमोलोगस क्रोमोसोम्स दोनों एक दूसरे से अलग अलग हो गई। सेम सिचुएशन यहाँ है, पेयर ऑफ अलील्स में से एक ही अलील इनहेरिट होगा एक गैमेट में। सो दीज आर द पॉसिबल गैमेट जो इन पेरेंट्स से बनते हैं। तो सारे ही, मैं सारे गैमेट्स नहीं लिख रही हूँ क्योंकि सारे का जीनोटाइप एग्जैक्टली यही होगा। इनको जब हम क्रॉस पॉलिनेट करवा रहे हैं तो हमारे पास जो F1 जनरेशन आती है दैट इज गोइंग टू बी आर स्मॉल आर वाई स्मॉल वाई, दैट इज आर F1 जनरेशन। एंड अगेन जस्ट लाइक आर मोनोहाइब्रिड क्रॉस, दिस F1 जनरेशन इज अ हेटेरोजाइगस जनरेशन। मैंने कैपिटल R को स्मॉल R के साथ लिखा है क्योंकि जैसे ही ये गैमेट्स फ्यूज होंगे इनके होमोलोगस क्रोमोसोम्स एक दूसरे के साथ पेयर अप हो जाएंगे, तो ये इसके लिए होमोलोगस है, इसलिए कैपिटल R विद स्मॉल R। This capital Y is homologous with this small Y, so small Y, capital Y and small Y. अगर हम इन plants का phenotype देखते हैं, then these plants are going to be showing round shape because capital R is present. ये dominant है, इसलिए अपने आप को express कर रहा है. The second one is capital Y. Capital Y is responsible for yellow. ये भी डोमिनेंट है, इसलिए ये भी अपने आप को कम्प्लीटली एक्सप्रेस कर रहा है। तो जितने भी F1 जनरेशन के प्लांट्स होंगे ऑल दोज प्लांट्स आर गोइंग टू बी राउंड एंड येलो, सिर्फ एक ही टाइप के प्लांट्स मिलेंगे राउंड एंड येलो। आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू सेल्फ पॉलिनेट, F1 जनरेशन के मेंबर्स को ही हम कंसिडर कर रहे हैं किसके लिए, सेल्फ पॉलिनेशन के लिए। और यहाँ से हम फाइंड आउट करेंगे कि कितने पॉसिबल जीनो, पहले तो हम इनके गैमेट्स बनाएंगे, ऑल द पॉसिबल गैमेट्स, वन इज गोइंग टू बी द मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट, और उसके बाद हम पुनेट स्क्वायर में सारे पॉसिबल जीनोटाइप्स को कंसिडर करते हैं। से गैमेट्स बनाने का इजी वे है, क्लास में भी डिस्कस किया था, फर्स्ट कंसिडर वन अलील, उस अलील को दूसरे जीन की जो अलीलिक फॉर्म्स हैं वन बाय वन राइट विद दैट। से आई एम कंसिडरिंग अ कैपिटल आर, इस कैपिटल आर के कैपिटल वाई के साथ जाने के भी इक्वल चांसेस हैं और स्मॉल वाई के साथ जाने के भी इक्वल चांसेस हैं, दोनों के साथ दे आर इक्वल चांसेस। क्योंकि एक चीज हम अच्छे से जानते हैं कि होमोलोगस क्रोमोसोम्स जो गैमेट फॉर्मेशन के टाइम पे सेपरेट होते हैं वो एक्चुअली रैंडमली सेपरेट होते हैं। So from here we are going to get capital R capital Y, this is one gamete, capital R and small y, this is going to be the another gamete. Exactly same situation किसके साथ होगी, I am considering small R, small R is also going to have equal chances to get inherit with small capital Y and small y. तो मेरा दूसरा possibility क्या होगा, capital R
sorry, small r capital Y and small r small y. These are the four gametes जो इस particular genotype से मिलते हैं. अब दूसरा जो parent है उसके भी genotypes exactly same हैं, तो यही चार gametes कहाँ से मिलेंगे? इस parent से मिलेंगे. तो हम एक को as a male gamete, ये सारे male gametes की तरह consider कर लेते हैं, और second row के Punnett square में हम इसको as a female gamete consider कर लेते हैं. So we are making a Punnett square. One side we are going to write down male gametes और एक side हम क्या लिखेंगे? Female gametes लिखेंगे. Capital R, capital Y, I am writing in the same sequence जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है. आप sequence जितनी same लिखोगे आपके confusion के और गलत होने के chances उतने ही कम होंगे. Capital Y, this is capital Y and last one is small r and small y. Exactly यही सीक्वेंस मैंने ऊपर रखी है और इसी सीक्वेंस को मैंने नीचे रखा है so that I can easily write down their genotypes and phenotypes also. So here we are going to write down all the possible genotypes. हमें सिर्फ इन gametes को fuse करवाना है. हम सारे जीनोटाइप्स क्यों लिखते हैं? हम सभी जीनोटाइप्स इसलिए लिखते हैं क्योंकि ये कम्प्लीटली रैंडम है कि कौन सा गैमेट किस दूसरे गैमेट के साथ फ्यूज कर रहा है. पॉसिबिलिटी सबकी इक्वल है, दैट्स व्हाई वी आर राइटिंग ऑल द पॉसिबल जीनोटाइप्स. सो आई एम हेयर राइटिंग, सॉरी आई एम जस्ट राइटिंग देयर कॉम्बिनेशंस. मैं सिर्फ इनके कॉम्बिनेशंस लिख रही हूँ कि अगर ये गैमेट्स एक दूसरे के साथ फ्यूज होते हैं तो ये वो पॉसिबल जीनोटाइप्स हैं जो इनके फ्यूजन से हमें मिलेंगे. द कैपिटल आर और स्मॉल वाई आई एम राइटिंग दीज आर द जीनोटाइप्स. अब ये प्लांट येलो सीड शो कर रहे हैं या राउंड रिंकल्ड सीड शो कर रहे हैं, दैट इज द फिनोटाइप. ये जीनोटाइप है और जब हम राउंड रिंकल्ड येलो ग्रीन की बात करते हैं वो फिनोटिपिक अपीयरेंस होता है जो हमें देखने से पता चलता है. सो हेयर स्मॉल आर कैपिटल वाई एंड स्मॉल वाई, दिस इज कैपिटल आर स्मॉल वार कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर वाई वाई एंड लास्ट वन इज दिस सिचुएशन. These are the possible genotypes. ये possible genotypes, अगर हम possible phenotypes देखेंगे तो अगर एक भी R dominant मिला तो obviously shape कैसी होगी? Round होगी. और अगर एक भी Y हमें dominant मिला then it is going to be yellow. So this is going to be round yellow. Again there is R dominant, Y dominant, a round yellow, round yellow, round yellow. तो first row है जो उसमें हमारे सारे plants कैसे हैं? राउंड येलो कैरी कर रहे हैं. दिस वन इज राउंड येलो. यहाँ पर राउंड तो है लेकिन दोनों होमोजाइगस रिसेसिव में प्रेजेंट है, दैट मींस दिस इज गोइंग टू बी ग्रीन. ये ग्रीन वाली सिचुएशन है. अगेन राउंड येलो, दिस इज राउंड लेकिन फिर से दोनों स्मॉल वाई प्रेजेंट है तो ये ग्रीन होगा. राउंड येलो, राउंड येलो. नाउ स्मॉल आर इज देयर और जब दो होमोजाइगस स्मॉल आर होंगे दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर रिंकल्ड सिचुएशन. सो दिस इज गोइंग टू बी रिंकल्ड लेकिन येलो होंगे. क्यों? क्योंकि वाई तो डोमिनेंट है. सेम रिंकल्ड बट येलो. राउंड येलो, राउंड एंड वाई इज रिसेसिव सो दिस इज गोइंग टू बी ग्रीन. रिंकल्ड एंड येलो, this is going to be wrinkled green. So ये almost हमारे 16 possible genotypes हैं जो हमें इन चार gametes के combination की वजह से मिलते हैं. अगर हम इन 16 possible genotypes में से हमारी phenotypic ratio identify करें then we are getting four type of phenotypes. सबसे majority of the plants कैसे हैं? The majority of the plants are round येलो. सेकेंड टाइप के अगर प्लांट्स हम इस टेबल में सर्च करें वी आर एबल टू सी दिस सिचुएशन रेड एंड ग्रीन. ये एक सिचुएशन देखने को मिल रही है. थर्ड सिचुएशन हम इसमें से आइडेंटिफाई करें वी आर एबल टू सी दिस रिंकल्ड येलो सिचुएशन.
और लास्ट में हमें एक कंप्लीटली डिफरेंट सिचुएशन को देखने को मिलती है, दैट इज रिंकल्ड ग्रीन. तो दीज आर द फोर फिनोटाइप्स विच वी आर एबल टू सी. और अगर हम इनमें नंबर ऑफ प्लांट्स काउंट करते हैं इन दिस राउंड येलो सिचुएशन वी आर, अगर हम इसमें काउंट करें वी आर गोइंग टू गेट 9. इफ आई सी दिस राउंड ग्रीन 1, 2 and 3. If I see the wrinkled yellow, 1, 2 and again 3, and wrinkled green, only single plant is going to be wrinkled green. So this is the phenotypic ratio of our dihybrid crows, that is 9:3:3:1. और ये phenotypic ratio कहाँ से भी आ जाती है? ये phenotypic ratio हमारी monohybrid ratio के square से भी आ जाती है. ठीक है, अगर हम ये वाला फॉर्मूला यूज करें देन ऑल्सो वी आर गोइंग टू गेट दिस फिनोटिपिक रेशियो. और अगर हम कैलकुलेट करके निकाले तो भी बहुत मुश्किल नहीं है, या इवन याद रखना भी मुश्किल नहीं है इस फिनोटिपिक रेशियो को. सो दिस इज 9:3:3:1. और अगर हम इस फिनोटिपिक रेशियो को कंसिडर करते हैं तो इसमें जो चार टाइप के फिनोटाइप्स हमें विजिबल है उसमें से राउंड येलो हमारा पेरेंटल फिनोटाइप है, क्योंकि हमने जो डोमिनेंट प्लांट लिया था वो एक्चुअल में कैसा था? राउंड और येलो था. अगर मैं इसको कंसीडर करूं रिंकल्ड ग्रीन तो ये भी पेरेंटल टाइप है, क्योंकि हमारा जो रिसेसिव पेरेंट था वो कैसा था? रिंकल्ड ग्रीन था. बट इफ आई सी दिस सिचुएशन दैट इज आई हैव रिटन रेड ग्रीन, सॉरी दिस इज राउंड ग्रीन. इफ आई कंसीडर दिस सिचुएशन एंड दिस रिंकल्ड येलो सिचुएशन, नाइदर ऑफ आर पेरेंट वॉज, ना तो कोई पेरेंट राउंड ग्रीन था और ना ही कोई पेरेंट रिंकल्ड ग्रीन था. मींस ये जो दो सिचुएशंस हैं दीज आर एक्चुअली द न्यू कॉम्बिनेशंस दैट आर फॉर्मड, और यू कैन से दीज आर द रिकॉम्बिनेंट्स. व्हाई वी आर सेइंग रिकॉम्बिनेंट्स? बिकॉज दीज आर डिफरेंट फ्रॉम पेरेंटल टाइप्स और दीज आर द न्यू कॉम्बिनेशंस दैट आर प्रेजेंट. आई एम स्टॉपिंग इट हियर ऑल्सो, ओनली आज यही खत्म कर रही हूँ, कल इसको दोबारा से डिस्कस